वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग में। तो आज 3 फरवरी है और आज हमें जाना है, एक मैरिज अटेंड करना है, तो इसके लिए सभी तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं आज हम क्या पहने, क्योंकि लड़कियों का यही प्रॉब्लम होता है कि क्या पहनना चाहिए। तो अभी हमने हेयर वॉश कर लिए हैं और अब जब भी हेयर वॉश करो तो विंटर में ये जरूर से अप्लाई कर लीजिए। तो ये हेयर सीरम है, आपको अपने हेयर में अप्लाई करना चाहिए, तो ये जल्दी से अप्लाई कर लीजिए ताकि आपके जो भी हेयर फ्रिजी हेयर है वो ना दिखे और बहुत ही स्मूथ रहे। इसको आपको गीले बालों में ही अप्लाई करना है। तो चलो मिलते हैं अभी रेडी होने के बाद। तो चलिए इसे कैसे अप्लाई करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे 3 से 4 ड्रॉप लेना है और अपने हेयर लेंथ में से अप्लाई कर लीजिए। तो ऐसे आपको हेयर सीरम अप्लाई करना है अपने हेयर पे। तो चलिए अभी रेडी हो जाते हैं। तो अभी ये सिलेक्ट किया है कि पहने क्या पहने। तो अभी मैं आपको एक हैक बताने वाली हूँ। तो जो आपके पास नेल रिमूवर ना हो तो आपको ये हैक बहुत ही काम में आएगा। तो इसके लिए आपको कोई भी जो यूज़फुल नहीं ऐसी नेल पॉलिश लेनी चाहिए और उनको ऐसे पेंट कर लीजिए अपने नेल पे, फिर उनको टिश्यू की मदद से ऐसे देखो रिमूव कर लीजिए। तो हो जाएगा इजीली, आपका ये नेल रिमूव हो जाएंगे, जो नेल पॉलिश है वो इजीली रिमूव हो जाएगी। तो इसी तरह मैंने पूरे हाथ में ऐसे रिमूव कर लिए और अभी नेल पॉलिश कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। अब जब भी मैरिज में जाए तो सबसे पहले नेल पॉलिश बहुत ही जल्दी कर लीजिए पहले, ताकि जल्दी से सूख जाए। और अभी हेयर के लिए मैं कोई भी हीट अप्लाई नहीं करती मेरे हेयर पे। तो देखो इसी तरह से हम पंखे की मदद से सुखा लेंगे पूरे हेयर। जब भी आप कोई भी मेकअप करें तो मेरे फेस ऑयली है, इसीलिए मैं ऐसे आइस क्यूब अपने फेस पे रब करती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हो जो आपकी फेस बहुत ही ऑयली हो तो। और फिर भी मैं मॉइस्चराइज अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी। मैं फाउंडेशन अवॉइड करूँगी क्योंकि मैं फाउंडेशन नहीं लगाती अपने फेस पे। तो अभी हम अप्लाई कर लेंगे हिमालय का काजल। में जो भी चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ उसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू बनाया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो कि ये काजल का जो हिमालय का काजल है वो कैसा है, उसके ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है। तो हम फिटमी का फाउंडेशन लगाने के बाद ऐसे आईज़ को थोड़ा इन्हेंस लुक देने के लिए थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई कर लेंगे अपने आईज़ पे। और अभी थोड़ी लाइटिंग का इश्यू है क्योंकि रात को मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा लाइटिंग ऐसा रहेगा तो आपको वीडियो थोड़ी ऐसी ही लगेंगी। अभी हम यूज़ कर लेंगे ऐसे देखो आईब्रो पेंसिल यूज़ कर लेंगे ताकि आईज़ को बहुत ही अच्छा लुक मिल जाए। और थोड़े से हम हाइलाइटर लेंगे और अपने आईज़ के ऊपर लगा देंगे। हम ज़्यादा आई शेडो नहीं लगाएंगे इसके, सिर्फ ऐसे ही थोड़ी हाईलाइट कर लेंगे हमारी आईज़ को, ऐसे हाईलाइट करेंगे तो बहुत ही अच्छी लुक देंगी। जो आप बिगनर हो, आपको अभी आता नहीं है मेकअप करना, तो आप ये जरूर से अप्लाई कर सकते हैं टिप्स। अभी हम पूरे मेकअप को फिक्स कर लेंगे एक मेकअप फिक्सर की हेल्प से। अभी हम अप्लाई कर लेंगे थोड़ी सी लिपस्टिक। हम मैंने थोड़ी सी डार्क लगाई है क्योंकि अभी नाइट में जाना है, तो थोड़ी डार्क अच्छी लगेगी लिपस्टिक। और मैंने बिंदी लगा दी, बिंदी मैंने बाद में निकाल दी थी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी। और अभी हम हेयर स्टाइल कर लेंगे। मैं कोई भी हेयर हीट अपने हेयर पे अप्लाई नहीं करती, तो इसलिए मैं स्ट्रेटनिंग भी नहीं किया। और सिंपल तरीके से देखो ऐसे थोड़ा सा पफ बना लिया है, तो ऐसे कर लेंगे। मैं सिंपल तरीके से हेयर स्टाइल बना दी। और अब भी मैं चूड़ा देखो ये सिलेक्ट कर रही हूँ, पर ये पूरा चूड़ा नहीं पहनूंगी, इसमें से थोड़ी सी बेंगल निकाल के पहनूंगी क्योंकि चूड़ा पहनूंगी तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और अभी देखो, और ये लास्ट में रहता है हमारे ये सिंदूर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कर लेते हैं। फाइनली अभी रेडी हो गए हैं और देखिए, तो चलो चलते हैं। तो मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। दोनों चीज़ आपकी हमेशा साथ में लेनी चाहिए। ये है शू फिक्सर, मीन्स कि आपको जो भी चीज़, जो चप्पल टूट जाए तो ये काम लगता है। और ये मैरिज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चप्पल टूट जाता है, तो ये भी आपको पर्स में रखना चाहिए। और दूसरी है ये सेफ्टी पिन, ये भी जरूर अपने साथ रखनी चाहिए। तो चलो अभी चलते हैं।
अभी शादी में पहुंच गए हैं और अभी सभी फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारी पेट पूजा, तो वो सबसे पहले कर लेंगे। फाइनली अभी हमने मैरिज भी एंजॉय कर लिया और फोटोशूट भी हो गया। तो मैंने आपको मेरे रेडी होने के साथ साथ आपको बहुत सारे टिप्स भी दिए कि आप सिंपल तरीके से कैसे रेडी हो सकते हो। तो मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।